ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। यूं तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवंश की रक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यदि कोई साधारण व्यक्ति इन गौवंश की रक्षा के लिए आगे आता है तो गौवंश की हत्या करने वाले लोगों से उन्हें दुश्मनी झेलनी पड़ती है। घटना यूपी के गोंडा के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत बालपुर जाट सेवक पूर्वा की है, जहां कल सुबह लगभग 4 बजे पीड़िता माया देवी पत्नी राम अनुज का आरोप है कि सुबह 4 बजे दर्जी पूर्वा के मुस्लिम समुदाय के दर्जन भर लोग जानवर खोलने के लिए आए थे। पीड़िता का लड़का रवि गाय के चिल्लाने की आवाज़ से जग गया और लोगों को पहचाना और कहा कि मेरी गाय को क्यों खोल रहे हो। इसी बात को लेकर उन्होंने पीड़िता के बेटे को धारदार हथियार तथा लात और घूसों से मारा। चिल्लाने पर आसपास के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, जिससे जानवर खोलने आए लोगों ने पीड़िता के बेटे को बचाने आए लोगों पर भी तलवार एवं बांका से हमला किया, जिससे उन्हें भी काफी चोटें आईं तथा पीड़िता के लड़के को उठाकर नदी के पास फेंक दिया, जिसकी सूचना पीड़िता द्वारा तत्काल 112 पर व क्षेत्राधिकारी सदर को दी गई। फिर उसके बाद में रात को आए, जब एक गाय बच्चा बांधती उसको खोलने लगे, तो एक लड़का लेटा था, वो कहा कि हमारी गाय के खोलने लगे। तो लड़के का क्या नाम था? तो गाय को बोले इसी को काट देंगे। क्या कहे? बोले कि गाय को छोड़ दो, इसी को पहले काट दो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसको उठा ले गए, हम मार के यहाँ नदी किनारे फेंक गए थे। बहुत मुश्किल से कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने की पुलिस यहाँ नहीं आई, 112 हम लोग मिलाए तो लेट में आई थी, फाड़ दिया तो उसने अपने मर्जी से लिखा। हम लोगों की सुनवाई को आप लोग, अब हम लोग इंसाफ चाहते हैं। गंभीर चोट लगने के कारण पीड़िता के बेटे का इलाज जिला अस्पताल गोंडा में चल रहा है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन पहले दर्जी पूर्वा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांड को धारदार हथियार से मार दिया था, जिसके कारण इसके गर्दन पर भी काफ़ी जख्म हो गए थे। घायल सांड का इलाज पीड़िता के परिवार तथा आसपास के लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे। इस घटना के कारण दर्जी पूर्वा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीड़िता के बेटे के साथ ये घटना घटी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना की लीपापोती कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जनपद गोंडा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।